दोस्तों, आपके एसी का रिमोट जो है वो कहीं खो गया है। शायद बच्चों ने कहीं छुपा दिया है, या फिर उसके सेल डाउन हो चुके हैं और रिमोट जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इस धधकती गर्मी में आपका स्प्लिट एसी बिना रिमोट के किस तरह से स्टार्ट किया जाए, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। गाइस, हमारा ये जो स्प्लिट एसी होता है, इसमें दोनों साइड में लॉक्स होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। दोनों भी लॉक जो है वो मैंने ऑलरेडी थोड़े से ढीले कर लिए हैं। ये जो फ्लैप है इसको हमें ऊपर उठाना है और इस तरह से जो है टिका देना है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, प्यार से खोलिएगा और धीरे से टिकाइएगा। तो ये जो फ्लैप है ये टिक चुका है और अभी हमें ढूंढना है एक हिडन स्विच, मतलब एक सीक्रेट स्विच जो कि एसी को बिना रिमोट के ऑन करेगा। और इस तरह का जो स्विच है वो जनरली एसी के इस राइट साइड वाले इलाके में छुपा हुआ होता है। तो जो है मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ऑफ और इसके ऊपर एक छोटा सा जो है वो डिप स्विच बना हुआ है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप जो है आपके एसी का एमसीबी या फिर उसका जो पावर बटन है आपके बोर्ड के ऊपर, उसको जाके आप ऑन कर सकते हैं। और जी नहीं, आपको यहाँ पे उंगलियाँ नहीं डालनी है। यूज़ समथिंग नॉन कंडक्टिव, फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक का पेन हम ले लेते हैं और इस प्लास्टिक के जो पेन है इससे हम ये एसी का ये जो सीक्रेट स्विच है, देखिए इसको हमें धीरे से प्रेस करना है। तो ये जो है मैंने स्विच प्रेस कर दिया है और जो एसी है वो हमारा ऑन हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट ये काम करेगा 24 या 25 डिग्री सेल्सियस और कूल मोड के अंदर जो है ये एसी चलने वाला है। वही वाला सीक्रेट स्विच आप दोबारा दबा के एसी को ऑफ भी कर सकते हैं। गाइज, ये है वीडियोकॉन का ओल्ड स्कूल नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी। अगर इसी तरह के वीडियो गाइड्स आपको दूसरे मॉडल्स, दूसरे ब्रांड्स इन्वर्टर एसीज के लिए देखने हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर कई सारे अलग अलग कार्ड्स आएंगे। कोई भी कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप उस रिस्पेक्टिव वीडियो के ऊपर जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।